नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। शुरुआत करते हैं किसानों के भारत बंद की खबर के साथ। आपको बता दें कि केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के विरोध में आज किसानों ने भारत बंद बुलाया है। आज ही के दिन किसानों को गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन करते हुए 10 महीने का जो वक्त है वो बीत चुका है। किसान यूनियन के मुताबिक इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर 4 बजे तक शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद रखा जाएगा। इसके अलावा किसानों ने पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर को ब्लॉक कर दिया है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने ट्वीट करके बताया है कि किसान प्रदर्शन के चलते दिल्ली से गाजीपुर जाने के लिए ट्रैफिक मूवमेंट को बंद कर दिया गया है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों को प्रदर्शन बंद कर देना चाहिए और केंद्र सरकार किसानों से किसी भी मसले पर बातचीत को तैयार है। कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं। सरकार उनके द्वारा बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है और इससे पहले भी कई बार बात हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी अगर उन्हें लगता है कोई बात बची है तो ज़रूर सरकार बात करेगी। ठीक है, समर्थन देना तो किसी का व्यक्तिगत मामला है, लेकिन मैं समझता हूँ किसान आंदोलन को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। किसान सबका है और सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ किसान यूनियन के साथ बातचीत की है और आगे भी करने के लिए तैयार है। प्रोग्राम ये है कि बंद रहेगा आज, और जो लोग भी निकले वो लंच के बाद में घर से निकले, नहीं तो जाम में फंसे रहेंगे। बहुत जगह जाम है और उसमें जो लोग एम्बुलेंस है या कोई डॉक्टर का कार्ड किसी के पास में है या जो ज्यादा जरूरत वाले जो लोग होते हैं तो वो निकल जाते हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि हमने पूरा सील बंद कर दिया है, ये है कि जाम है, एक मैसेज हमारा चला जाए और बंद है पूर्ण रूप से, भारत बंद है। उसमें दुकानदारों से भी अपील करी है कि वो भी आज बंद रखे और 3-4 बजे के बाद में खोल लें उसको। और हमारे सहयोगी आलोक सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं ज्यादा अपडेट देने के लिए। आलोक, आप गाजीपुर यूपी दिल्ली बॉर्डर पर जिस तरीके अगर वहां पे आप हैं तो क्या सिचुएशन है अभी वहां पर? हालांकि सुबह का समय है, फिर भी किस तरीके का माहौल है वहां पर? जी श्वेता, गुड मॉर्निंग। मैं फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा क्योंकि आज किसान आंदोलन का अगर कहें तो 10 महीने पूरा हो चुका है और 10वें महीने के बाद आज ये पहला दिन है। और मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो है सड़क को जाम कर दिया गया है, दोनों साइड पर ब्लॉक कर दिया है। बात यह है, जो नई चीज़ अभी ये हुई है कि पहले जो दिल्ली से गाजियाबाद जो गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाला रास्ता था वो बंद था। जो मेरे कैमरा पर्सन आमिल आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाला रास्ता बंद था। अभी फिलहाल आज क्योंकि भारत बंद है उसके कारण किसानों ने जो दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाला रास्ता है अब उसे भी बंद कर दिया है। ये रास्ता आप देखिए और फिलहाल ये लोग पूरी रोड पर बैठ गए हैं। हालांकि कोई फोर्सफुली लोगों को और जो अगर हम कहें तो भारत बंद के लिए जो आह्वान किया है वो कोई फोर्सफुली नहीं है। कहीं पर भी ये नहीं किया जा रहा है कि आप लोग अपनी दुकानें बंद करें, मार्केट बंद करें, स्कूल कॉलेजेस बंद करें, फैक्ट्रीज बंद करें, लेकिन किसानों ने अपील की है लोगों से कि जो 3 कृषि कानून है उनके खिलाफ जो किसानों की बात नहीं सुन रही है सरकार, उसके लिए अपने जो जो संस्थाएं हैं उनको बंद करें। मेरे साथ कुछ किसान भी होंगे, मैं उनसे भी बात करूंगा और मैं थोड़ा सा यहां से तस्वीरें भी दिखाऊंगा आपको। देखिए कैसे करके बैठे हुए हैं सड़क पे, मतलब अगर कहें तो ये 6 लेन रोड है जो कि दिल्ली और गाजियाबाद को जोड़ती है, नेशनल हाईवे है। और यहाँ पर देखिए आपको कई सारे लोग बैठे दिखाई देंगे और एक जो किसान है हम उनसे बात भी करेंगे। सर, थोड़ा सा हमें ये बताइएगा कि अभी क्या है प्रोग्राम यहाँ? बस ये सुबह 6 बजे से शांतिपूर्वक हम लोग रोड पर हैं, बैठे हैं आराम से, भारत बंद का आह्वान है। और अच्छी बात है कि देखने को मिल रहा कि ये लोग रोड भर के चलते थे, जनता ने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया है और हम उनका धन्यवाद भी करेंगे। 4 बजे तक हमारा सहयोग करें, 4 बजे के बाद हम हट जाएंगे, लोग अपना रूटीन का काम भी करें। तो शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा, पूरे प्रदेश से जो खबरें आ रही हैं
वहाँ भी प्रोटेस्ट बड़े मजबूती से चल रहा, लेकिन शासन जरूर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, ताकत के दम पर इस बंद को दबाना चाहता है, लेकिन लोगों ने घर से निकल करके और आंदोलन को सफल बनाने में लगे हुए। बताइए आप लोगों का कहीं कोई जाने का या कहीं मार्च करने का भी प्रोग्राम है? ना ना कहीं नहीं, कहीं नहीं जाने का है, हम लोग अपने जगह पर रहेंगे, आंदोलन करेंगे। बिल्कुल सुनेगी, सुनना पड़ेगा। हाँ, आपके मुँह से निकला 10 साल, हम 10 साल के लिए भी तैयार है, अभी कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है। हाँ सुनेगी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए जी, तो ये है फिलहाल स्थिति यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर की। दिल्ली में 3 जो हैं बॉर्डर हैं, गाजीपुर, सिंगू और टीकरी बॉर्डर, जहाँ पर हजारों की संख्या में अभी भी किसान बैठे हुए हैं। मैं आमिल से कहूँगा थोड़ा कैमरा पैन करके दिखाएं, देखिए टेंट यहाँ पर आज भी लगा हुआ है, जो आज जो 26 नवंबर 2020 से स्टार्ट हुआ था वो आज भी यहाँ पर, आज 27 तारीख हो गई है, एक साल लगभग, मतलब लगभग लगभग 10 महीने कम्प्लीट हो गए, और देखिए टेंट आज भी लगे हुए हैं, किसान आज भी रह रहे हैं। तो लड़ाई जो है जारी है किसानों की। अब देखना ये होगा कि आज का जो भारत बंद है वो कितना सफलतापूर्वक रहता है।